ऑलराइट, आई थिंक अभी क्लास क्लियर होगा, सो आई जस्ट आस्क यू गाइस टू रिफ्रेश. ओके, वेलकम बैक ऑल माई लर्नर्स टू टुडेज यूट्यूब सेशन. सो इफ यू डोंट नो अबाउट मी, माई नेम इज सुप्रीत एंड आई टीच ऑन अन अकेडमी प्लस फॉर एन टी ए यू जी सी नेट कैटेगरी. And today I am bringing a small crash course जो हर Saturday होगा same time पे, okay? ताकि आप confused ना रहो, आपको हर बारी special timing याद ना करना पड़े. It will take place every Saturday at 4:30 PM. Every Saturday मतलब मैं August की बात कर रही हूँ. हमें Pearl Theory complete करने के लिए अगस्त के 5 सैटरडेज चाहिए थे, वो 5 के 5 सैटरडेज हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट्स और ट्रेडिशंस की क्लास कवर करने के लिए. आज हम लोग जो क्लास डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी द कॉन्सेप्ट्स पार्ट. आपने देख लिया होगा टाइटल के थ्रू ऑलरेडी. सो जैसे मैंने कहा, यू कैन जॉइन मी इन टू डेज, सैटरडे और ट्यूजडे. इसके अलावा आई कम फॉर माई स्पेशल क्लासेस एवरी वेंसडे ऑन अन अकेडमीज ऐप. जो अन अकेडमी का ऐप है उसमें सुप्रीत धमीजा नाम से आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी विच आर मच मोर यूजफुल देन वॉट वी डू अदरवाइज, बिकॉज आपको पोल मिलता है, रेजिंग हैंड का ऑप्शन मिलता है, कभी भी क्लासेस लेट स्टार्ट नहीं होता, इंटरेक्शन होता है, देयर इज सो मच मोर. इस बार जो स्पेशल क्लास है इस हफ्ते का, वो 11 तारीख को 4 बजे से होगा, वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन का सेट सॉल्यूशन 2018. हमारा नया कोर्स रोज शाम 7 बजे होता है. टुडे वी आर डूइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा नया कोर्स. रेफरल कोड सुप्रीत लाइव. आज का क्लास कवर करेगा अबाउट फर्स्ट 3 मेजर टॉपिक्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस. नेक्स्ट सैटरडे वी विल कवर पावर, सिटीजनशिप राइट्स एंड डेमोक्रेसी. ठीक है, सो वी आर हैविंग 2 सेशंस. आज हम लोग करें लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, और अगले सैटरडे हम करेंगे पावर, सिटीजनशिप राइट्स एंड डेमोक्रेसी. तो आज ऑब्वियसली यू सॉ जो है फर्स्ट टॉपिक लिबर्टी है हमारी लिस्ट में. तो क्या एवरीवन इज एक्साइटेड एंड रेडी टू स्टार्ट टुडेज सेशन? आज का लिबर्टी वाला क्लास एवरीवन रेडी? ऑलराइट, आप लोग नोट्स बना सकते हो शॉर्ट शॉर्ट टू मेक योर वर्क मच मोर इजियर ड्यूरिंग द क्लास. द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि लिबर्टी का जो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन आता है वो आता है कि लिबर्टी का रूट कहाँ पे है, यानी इसकी जड़ किन शब्दों में है. तो लिबर्टी बेसिकली हमें 2 शब्दों से मिलता है, लिबर्टाज और लिबर्टे. लिबर्टाज और लिबर्टे, जिसमें दोनों का ही मीनिंग है फ्री होना, आज़ाद होना. तो अक्सर लोगों को एक्चुअली लिबर्टी का मतलब ही नहीं पता होता, बट लिबर्टी का मतलब फ्री होना होता है, लाइक टू बी फ्री या फ्रीडम या इंडिपेंडेंस, कुछ ऐसा. जब हम लिबर्टी को पॉलिटिकल साइंस के सबसे बेसिक टर्म्स के साथ जोड़ते हैं ना, लाइक मतलब बेसिक बेसिक क्या है, तो लिबर्टी 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आता है. लिबर्टी के 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे. तो अगर लिबर्टी जाएगा खाना खाने, तो हमेशा उसके साथ टॉलरेशन भी खाना खाने जाएगा और लिबरेशन भी खाना खाने जाएगा. अगर लिबर्टी जाएगा घूमने, ताजमहल देखने, तो टॉलरेशन भी जाएगा और लिबरेशन भी जाएगा. ये दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो उसका हमेशा साथ देते हैं, कभी भी उसको इग्नोर नहीं करते. जो टॉलरेशन है ना, वो बहुत अच्छा बंदा है, वो हमेशा लिबर्टी को अच्छाई सिखाता है, बर्दाश्त करना सिखाता है. वो हमेशा लिबर्टी को कहता है कि देखो, बर्दाश्त करना सीखना चाहिए. अगर हमें अपनी खुशी प्यारी है, हमें दूसरी की खुशी भी बर्दाश्त होनी चाहिए. अगर हम ईगो में रहेंगे, जेलसी में रहेंगे, तो हम दूसरे को समाज में खुश नहीं रख पाएंगे. तो अगर तुम सोचते हो तुम्हारा लिबर होना मतलब फ्री होना इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुम्हें खुद को भी साथ साथ में फ्री रखना आना पड़ेगा, दूसरों को भी अपने विचारों से मुक्त रखना आना पड़ेगा. तो मैं तुम्हें टॉलरेशन मतलब मैं तुम्हें बर्दाश्त करना सिखाता हूँ, और जो लिबरेशन है वो तुम्हें आज़ादी सिखाता है.
तो लिबर्टी के पास दो बहुत प्यारे दोस्त हैं और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये चीज आपको जितनी जल्दी याद हो जाएगी आपके एमसीक्यूज उतने आसान हो जाएंगे, बिकॉज टॉलरेशन शब्द आपको जॉन लॉक में भी मिलता है, क्योंकि रिलीजियस टॉलरेशन लिबरलिज्म के फर्स्ट फाउंडेशन फादर जॉन लॉक का भी सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है। ऑब्वियस सी बात यह है कि देखो, अगर आप किसी के लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करोगे तो वो भी आपके लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गिव एंड टेक रिश्ता होता है समाज में। अगर आपको किसी को कुछ देना है तो बदले में आपको उस चीज को पहले कॉन्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दिस कलेक्टिवली लीड्स टू टू फेवरेट वर्ड्स ऑफ लिबर्टी। इसके बाद हमारे पास नाम आता है एक फेमस थिंकर हैरोल्ड लास्की का। लास्की कहता है लिबर्टी ना एक एटमोसफियर है, लिबर्टी एक माहौल है, जिस माहौल में इंसान को उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटीज के बारे में बात करने की आजादी होती है ना, वो लिबर्टी है। जिस माहौल में इंसान के पास सबसे बेस्ट बनने की आजादी हो कि मैं अपनी जिंदगी बेस्ट तरीके से जी सकता हूँ, मेरे पे रोक नहीं है, मैं डेवलप हो सकता हूँ, मैं अच्छी सोच रख सकता हूँ, ये सारा कंबाइन होता है और जो माहौल पैदा होता है वो जो है लिबर्टी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो कि अर्नेस्ट बार्कर ने दी है। अर्नेस्ट बार्कर पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत बड़ा नाम है और अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि देखो लिबर्टी तुम ज्यादा ज्यादा 100% बनने की कोशिश मत करो। तुम कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, तुम कभी पूर्ण रूप से किसी के साथ नहीं रह सकते, तुम्हें हमेशा शर्तों में जीना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा तौर तरीके से जिंदगी काटनी पड़ेगी, तुम हमेशा एक लिमिट में रहकर काम करोगे, तुम बदतमीज नहीं बनोगे। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार लिबर्टी को बदतमीजी करना अलाउड नहीं है, वो 100% एब्सोल्यूट नहीं बन सकती, उस पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि उसे कंडीशनल रहना पड़ेगा। कंडीशनल रहने का मतलब ये है कि प्लीज दूसरे की इज्जत करो, दूसरे के भी सामने वाले के भी विचार देखो। अगर सारी लिबर्टी आप ही ले लोगे तो दूसरा क्या एंजॉय करेगा समाज में? अगर आप सोचोगे मेरे को राह चलते कहीं भी कुछ फेंकने का अधिकार है, किसी से कुछ भी बोलने का अधिकार है, तो आप ये सोचोगे आपके शब्दों पे दूसरे को क्या लगेगा, और जो सामान आप सड़क पे फेंकते गए उससे दूसरे को कितनी चोट लग सकती है। आप गलत गाड़ी चला रहे हो तो दूसरे का भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेसिकली सारा कंक्लूजन ये है कि भाई अपने अपने बारे में मत सोचो। अर्नेस्ट बार्कर ने बोला लिबर्टी तुम सेल्फिश मत बनो, और उसके बेस्ट फ्रेंड ने भी यही सिखाया था टॉलरेशन ने कि तुम सेल्फिश नहीं बन सकते। तो यहाँ से हमें बहुत फेमस कोट मिलता है जो कि PYQ है। अच्छा, अब क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि यार लिबर्टी कितनों को मिलनी चाहिए समाज में, ये जो लिबर्टी है ये कितनों को मिलनी चाहिए, क्या ये सिर्फ अमीरों को मिलनी चाहिए, क्या ये सिर्फ गरीबों को मिलनी चाहिए, क्या ये सिर्फ मेन को मिलनी चाहिए या ये सिर्फ विमेन को मिलनी चाहिए। देर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं लिबर्टी को लेकर। यहाँ पर आंसर ये है कि एक ऐसी लिबर्टी होती है ना गाइज जो आप किसी को भी दे सकते हो। मैं सच्ची बताऊं आपको इसका आंसर, एक ऐसी लिबर्टी होती है जो आप किसी को भी दे सकते हो, बच्चे को, बूढ़े को, मेन को, विमेन को, या फिर गरीब वर्ग को और अमीर वर्ग को। और उस लिबर्टी का नाम कोई गेस कर सकता है अगर कमेंट सेक्शन में? उसे लीगल लिबर्टी कहा जाता है, जो कानून और संविधान के जरिए देशों का हिस्सा बनती है उसे लीगल लिबर्टी कहते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ हैम्पर करा जा रहा है, मेरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारा कानून है मेरी सुरक्षा करने के लिए, इस बात का मुझे विश्वास है, तो मेरी लिबर्टी पर कोई धक्का नहीं है, कोई कमजोरी नहीं आएगी। एटलीस्ट मैं ये दावा तो कर सकता हूँ कि मैं कोई भी वर्ग से हूँ, मैं अमीर हूँ या मेरी कास्ट कुछ और है या मेरा धर्म कुछ और है, कानून मेरे को बचा के रखेगा। सो लीगल लिबर्टी एक ऐसी लिबर्टी है ना गाइस जो परवाह नहीं करती कि कौन किस वर्ग से आता है, कौन किस बैकग्राउंड से आता है, लेकिन सुरक्षा सबको मिलती है। बिफोर वी मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स इन दिस चैप्टर, हमारा एक फेमस क्वेश्चन का आंसर आ गया है यहाँ पर। हमारे पास आता है एक वेरी वेरी बिग स्कॉलर ऑफ लिबर्टी जिसका नाम है इसाही बर्लिन। इसाही बर्लिन,
अब क्या है सीन यहाँ पर, इसाही बर्लिन आज तक प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, ठीक है। इसाही बर्लिन का जीना जागना करना एक ही सब्जेक्ट पे था एंड उसका नाम लिबर्टी है। अब हुआ क्या, इसाही बर्लिन की थ्योरी को जितना तारीफ मिली है ना, उतना ही ज्यादा उस पे विवाद भी हुआ है। जितना ज्यादा लिबर्टी को पॉजिटिविटी मिला है ना, उतना ही ज्यादा इसे क्रिटिक भी मिला है। अब हुआ क्या था, पहले तो लिबर्टी ने सॉरी बर्लिन ने लिखी एक बहुत फेमस हिज फोर एसेज ऑन लिबर्टी। फोर एसेज ऑन लिबर्टी उन्होंने 1969 में लिखी थी। तब उनकी जो एसेज थे उसमें चार आपको पता लग रहा है नाम से, ऑफ कोर्स यहां से आप देखिएगा, पॉलिटिकल आइडियाज इन 20th सेंचुरी, ये फर्स्ट आर्टिकल है। हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी, ये सेकेंड आर्टिकल है। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, सबसे फेमस ये थर्ड एसे है। जेएस मिल एंड एंड्स ऑफ लाइफ, बिकॉज वो ऑब्सेस्ड थे जेएस मिल के डिस्क्रिप्शन ऑफ लिबर्टी से, तो ये है उनका फोर्थ एसे। तो चार एसे मिला के 1969 में उन्होंने फोर एसेज ऑन लिबर्टी लिखी थी। आपको भी पता है कि हम यहाँ पे इसका जिक्र करेंगे क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हो। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी आज तक का प्रोड्यूस लिबर्टी पर सबसे बड़ा काम है। ऑफ कोर्स जेएस मिल का अलग डायरेक्शन में काम है, मैं बर्लिन के रेफरेंस में अगर बात करूँ तो ये आज तक की सबसे बड़ी किताब, एसे टाइटल्ड कुछ भी आप समझ सकते हो। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में ऑब्वियसली पता लग रहा है टाइटल से, अगेन लिबर्टी को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। एक लिबर्टी है पॉजिटिव और दूसरी लिबर्टी है नेगेटिव। एक लिबर्टी पॉजिटिव है एंड दूसरी लिबर्टी नेगेटिव है। सवाल ये आता है कि बर्लिन एज अ स्कॉलर दो लिबर्टी देने के बावजूद एक लिबर्टी को ही पसंद करते हैं दोनों में से, मतलब एक की वो बुराई करते हैं और दूसरे की तारीफ करते हैं। जिसकी वो तारीफ कर रहे हैं वो है नेगेटिव लिबर्टी, और जिसे बर्लिन अपोज करते हैं, जिसे रिजेक्ट करते हैं, वो है पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये आपका एक फिक्स्ड क्वेश्चन हो गया जो आना ही आना है हर साल। हर साल पॉलिटिकल थ्योरी से एक फिक्स्ड क्वेश्चन इसाही बर्लिन का आता है कि वो खुद किसे लाइक करते थे, वो खुद नेगेटिव लिबर्टी को लाइक करते थे। ऑब्वियसली वो क्यों नहीं करते थे पॉजिटिव लिबर्टी को लाइक, ये भी एक असर्शन रीजन है जो PYQ में आ चुका है कि वाई डिडंट ही लाइक इट, उन्हें क्यों पसंद नहीं था पॉजिटिव लिबर्टी। उन्हें पॉजिटिव लिबर्टी इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि उससे टोटैलिटेरियनिज्म फैलता है, उससे टोटैलिटेरियनिज्म फैलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, यानी वो बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल और बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, इसलिए हम पॉजिटिव लिबर्टी को लाइक नहीं करते हैं। दैट इज वॉट बर्लिन सेड। जब वो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं हर इंसान जीवन में एक चीज पर कभी अग्री नहीं करेगा। ये बात दुनिया का फैक्ट है कि इंसानों की आदत होती है हर चीज पर कुछ अलग अलग विचार रखना, अलग अलग मतभेद लेकर आना। इस रेफरेंस में वो सबसे पहले बताते हैं कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या होता है। यहां से आपका एक और प्रोबेबल PYQ/MCQ बन सकता है। नेगेटिव लिबर्टी का फुल फॉर्म होता है कि एक इंसान किस दायरे तक आजादी की जीवन जीता है। इंसान उस दायरे तक आजाद होता है जहां पर कोई और व्यक्ति, कोई और ग्रुप, कोई और सामने वाला स्टेट उसे कंट्रोल ना कर सके। तो बेसिकली वो लिबर्टी जहां पर एक आदमी अनऑब्स्ट्रक्टेड होता है, यानी जहां पर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स होता है। मैं कहीं भी चला जाऊं मेरे जीवन में रुकावट नहीं आएगी, मैं कोई भी चॉइस बनाऊं वो मेरी चॉइस है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। अगर मेरे को कुछ गलत करना है जिंदगी में तो वो मेरा फैसला है, कोई मुझे रोके ना, तो वो नेगेटिव लिबर्टी है। यानी इंसान अनऑब्स्ट्रक्टेड है, उस पर रुकावट नहीं है, उसका कोई फिक्स होने का दायरा नहीं है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रेंट या रुकावटें या कोअर्शन या फोर्स नहीं है, ही इज कम्प्लीटली फ्री इन हिज लाइफ। जब इंसान अपनी एक्टिविटीज में दूसरे की ऑब्स्ट्रक्शन या इंटरफेरेंस के परे रहता है, जब उसे कोई इंटरफेयर नहीं करता,
तब इंसान नेगेटिव लिबर्टी आराम से एंजॉय करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोअर्शन आ गया ना, अगर आपकी लाइफ में फोर्स आ गया, जबरदस्ती आ गई, तो समझ लो जिस दरवाजे से कोअर्शन ने एंट्री करी उस दरवाजे से लिबर्टी बाहर निकल जाएगी। तो जब कोअर्शन की बात करते हो तो ये याद रखना कि कोअर्शन और लिबर्टी एक जगह पर साथ कभी नहीं रह सकते, वो अपने सबसे बड़े दुश्मन है एक दूसरे के। तो बेसिकली जब कोअर्शन ने एंट्री मारी, लिबर्टी ने बाय बाय बोल दिया। दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको बहुत मदद करेगा स्टेटमेंट और एसर्शन क्वेश्चंस में, क्योंकि जब आपको एनालाइज करना होगा कि नेगेटिव लिबर्टी में क्या नुकसानदायक चीज है, क्या अच्छी चीज है, तो आपको क्लियर हो जाएगा दैट मैं क्या सही कर रहा हूँ उसमें से चूज और क्या गलत चूज कर रहा हूँ। आगे बढ़ते बर्लिन और मिल के ऊपर। बर्लिन, जैसा कि आपने देखा, मिल के ऊपर उन्होंने एक ऐसे लिखा हुआ है, वो कहते थे मिल मेरी तरह सोचता है, मिल मेरे जैसा है और मिल नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है। बट असलियत यह है कि मिल ने जस्टिफाई करा था कि वो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करता है। तो हमने कंक्लूड करा कि मिल का हार्म प्रिंसिपल ये प्रूव करता है कि जे एस मिल एक पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव फॉर्म ऑफ लिबर्टी। पॉजिटिव फॉर्म ऑफ लिबर्टी का मतलब ये होता है कि आप खुद से सवाल पूछते हो और अपनी आत्मा से एक जवाब मांगते हो, मैं किस दायरे तक आजाद हूँ, मेरी आजादी में किस किस का रोल है, क्या अगर मैं ऐसा कोई स्टेप लेता हूँ तो उससे किसी और को इफेक्ट पड़ेगा, क्या अगर मेरे पे कोई गवर्न करेगा तो वो मेरी लाइफ का कौन कौन सा पार्ट रूल कर पाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम खुद से पूछते हैं। जब हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें अपने अंदर से कॉन्शियसनेस आ जाता है, मतलब हम अवेयर होते हैं हमारा सही क्या है और गलत क्या है। मैंने अक्सर आपको सिगरेट वाला एग्जाम्पल देकर ये बात समझाई है कि अगर कोई स्मोक कर रहा है, उसे मालूम है कि वो स्मोक कर रहा है और वो उसके लिए इंजूरियस है, लेकिन अगर यही स्मोक वो पब्लिक में बैठकर करता है जिससे औरों को पैसिव स्मोक पहुंचेगा, तो वो एक लिबर्टी का एग्जाम्पल नहीं है पॉजिटिव, क्योंकि वो अपने डेवलपमेंट में किसी और को हार्म पहुंचा रहा है। तो बेसिकली आप उस दायरे तक आज़ाद हो जहां तक आप किसी और की आज़ादी को खराब ना कर रहे हो। जब आपने दूसरे की लिबर्टी को खराब कर दिया और आपने सोचा मैं बादशाह हूँ, मैं आज़ाद हूँ, दैट इज रॉन्ग, तब वो नेगेटिव का केस हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव लिबर्टी कोई दायरा नहीं देखती, कोई वक्त नहीं देखती, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी अपने आसपास के माहौल को देख के काम करती है। जब हम मिल को लिबर्टी पर पढ़ना चाहें तो हमें पता लगता है कि मिल ने लिखी है एक बहुत ही फेमस किताब जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। ठीक है जी, ऑन लिबर्टी जो है दैट इज अ वेरी वेरी फेमस बुक, अगेन अ PYQ जो मैच द फॉलोइंग में आता ही आता है। 1859 में लिखा था। और मैं क्लियर कर दूं, कई लोगों को डाउट रहता है इस बात में, जे एस मिल पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक है, जे एस मिल खुद पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हमें अपना चैप्टर चेंज कर लेना चाहिए है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया साथ दिया, हमने 20 मिनट्स में अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म करा है लिबर्टी। दिस इज हाउ वी डू द क्रैश कोर्सेज। ओके, क्विक फास्ट बट स्टिल पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, इक्वालिटी। इक्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स प्रोड्यूस्ड इन पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज हर किसी के लिए इक्वालिटी का मतलब सेम नहीं होता। मैंने कई बार ये चीज़ क्लैरिफाई कराई है दैट अगर आप एक गरीब बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो वो कहेगा कि मेरे को इक्वालिटी के लिए घर दे दो, खाना दे दो, पढ़ाई दे दो। लेकिन अगर आप एक अमीर शहरी बच्चे से उम्मीद करोगे उसके लिए इक्वालिटी क्या है, तो मे भी वो ये चाहता हो कि मेरे फादर मुझे इतनी सी उम्र में गाड़ी लेकर दे दे, या मुझे एक बहुत बड़ा बंगला ले दे, या मुझे ट्रिप पे भेज दे। समझ रहे हो? सो देयर आर वेरी वेरी डाइवर्स ओपिनियंस ऑन इक्वालिटी। अगर आप एक प्लेयर की बात करोगे तो वो अच्छा स्टेडियम, अच्छे इक्विपमेंट्स चाहेगा प्रैक्टिस के लिए। अगर आप एक राइटर की बात करोगे तो वो एक अच्छा माहौल चाहेगा इक्वालिटी के तौर पे। तो कब तक इंसान देता फिरेगा इक्वालिटी का जस्टिफिकेशन? है ही नहीं, क्योंकि अगर आप शब्दों में बांधने की कोशिश करो तो इक्वालिटी शब्दों में बांध ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कॉन्सेप्ट है। हम कोशिश वो करेंगे जो हम बेसिक आइडियाज़ को समझ सकते हैं।
सबसे पहले ये आता है ना कि इंसान सबसे पहली जो इक्वालिटी की तलाश करता है ना, समानता या बराबरी की, वो तलाश उसे एक दूसरे में लुक्स या जेंडर देखकर होती है। समाज में जो जेंडर है वो एक सामाजिक क्रिएशन है। हमें ऐसा लगता है कि हम शारीरिक रूप पे एक दूसरे से अलग दिखते हैं, तो क्या हम अनइक्वल हैं एक दूसरे के सामने? वहां पर इक्वालिटी अपना रोल प्ले करती है। उम्र के हिसाब से किसको कितना मिल रहा है समाज में, वहां इक्वालिटी अपना रोल प्ले करती है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ सही नहीं है और दूसरे बंदे का पूरा शरीर चलता फिरता तंदुरुस्त है, तो आप कंपेयर कर सकते हो इक्वालिटी किसको दिया जा रहा है और किसको नहीं। यहाँ से आपके लिए एक PYQ खड़ा होता है। अगर हम बैकग्राउंड ढूंढना चाहें, अगर हम स्टडी करना चाहें मुझे इक्वालिटी कहाँ से मिलती हुई दिख रही है, तो इक्वालिटी हमें मिली थी दो बड़े रेवोल्यूशन से। एक का नाम अमेरिकन रेवोल्यूशन है और दूसरे का नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन है। इतिहास ने दोनों ही रेवोल्यूशन को बेंचमार्क माना जाता है, वैल्यूज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के लिए। तो जब हम इक्वालिटी की मूवमेंट की बात करते हैं, तो अमेरिका और फ्रेंच दोनों रेवोल्यूशन के बाद हमें इक्वालिटी शब्द के बारे में पता लगा था, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इनके बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है कि इससे राइट्स पैदा हुए, इससे फ्रीडम पैदा हुई, तो ऑब्वियसली साथ में इक्वालिटी आ ही जाएगी। आपके लिए एक और PYQ है यहाँ पर। लास्की के अनुसार फ्रीडम का, इक्वालिटी का एक मतलब होता है। लास्की के अनुसार इक्वालिटी कोहेरेंस है आइडियाज का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है जब आप किसी को कुछ समाज में एज अ राज्य या एज अ लीडर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उस न्याय के पीछे कारण होना जरूरी होता है। जब आप किसी को न्याय दो, तो उसका तवज्जो, उसका कारण, उसकी रीजनिंग, उसकी रेशनैलिटी भी मजबूत होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप किसी को कुछ सामान पकड़ा दे रहे हो कि जा ये फोन रख ले, उसे नहीं जरूरत है, उसके पास है ऑलरेडी, तो वहां पर वो एक तरीके की क्वालिटी नहीं है। अगर आप एक बच्चे को किताब के समय पर उसे एक लैपटॉप लाके दे रहे हो और कह रहे हो कि इसी से कर ले, हम बुक्स दे ही नहीं सकते हैं, तो वो थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे के लिए इक्वालिटी नहीं है। जहाँ उसे ज़रूरत थी रियल बुक्स की, हमने उसे लाकर एक ऐसी चीज़ दे दी जो उसके इस समय ज़रूरत की नहीं है, फ्यूचर में ज़रूर काम आएगी बट अभी नहीं है। जिस समय पर, जिस वक्त पे, जिस मौके पर इंसान को जो ज़रूरत हो, उस मौके पर अगर वो सामान दिया जाए ना, तो उसे ही इक्वालिटी माना जाता है। इसे कोहेरेंस ऑफ आइडियाज कहते हैं। दूसरी बात ये होती है ना गाइस, एक होता है कि मैंने, ये बंदा है, मैंने बोला कि देख मैं तुम्हें सारी अपॉर्चुनिटीज बराबर दे रहा हूँ, तो तुम इक्वल हो। नहीं, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ प्रिविलेजेस देना भी बहुत जरूरी होता है। अगर एक बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिला है, तो उसे क्या इतना मौका नहीं मिलना चाहिए कि उसे बेसिक किताबें मिल पाएँ उसके लिए? क्या उसे इतना मौका नहीं मिलना चाहिए कि रिसर्च करने के लिए, ट्यूशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए उसे एक बेसिक टीचर मिल पाए? तो जब आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो साथ में प्रिविलेज यानी उसके ऊपर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आवश्यक होती हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जुड़ेंगी तो कमी रह जाएगी, फिर अपॉर्चुनिटी का वो क्या इस्तेमाल करेगा? बिकॉज उस समय पर उसे वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी जब उसको वो मिल गई। सो बेसिकली अपॉर्चुनिटी के साथ थोड़ा सा प्रिविलेज देना भी जरूरी होता है। जो RH टाउनी है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। आगे मैं अभी बताती हूँ आपको टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। RH टाउनी कहता है आज की दुनिया का तो धर्म बन चुका है इन इक्वालिटी। हम लोगों को जब आदमी औरत पे हाथ उठाता है या औरत आदमी पर एक झूठा केस फाइल कर देती है पैसों के लिए या फिर बदनामी के लिए, तो हमें ये सब बहुत नॉर्मल प्रतीत होता है, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें क्या ही गलत है, ये तो हक है। क्योंकि समाज जब गरीब का शोषण करता है और अमीर एंजॉय करते हैं उस शोषण पे, तो ये हक बन जाता है कि अरे क्या हो गया इसमें, ये तो उनका फर्ज है करना। तो इंसान का जो एटीट्यूड है, उसका जो नज़रिया है, वो इतना ज़्यादा शैलो और छोटा हो चुका है कि जब कोई किसी के साथ इनइक्वालिटी करता भी है, तो दूसरे व्यक्ति को एहसास नहीं होता कि ये इनइक्वालिटी करी जा रही है।
हर कोई मानता है कि इक्वालिटी समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इक्वालिटी के सबसे ज्यादा टाइप्स पाए जाते हैं समाज में, जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, रेशियल, सेक्सुअल। ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं जो बेसिक इक्वालिटी के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मल इक्वालिटी की। जब हम इक्वालिटी का फर्स्ट टाइप स्टडी करते हैं जिसका नाम फॉर्मल है, तो हमें नजर आता है जॉन लॉक और कांट जैसे थिंकर्स। जॉन लॉक और कांट जैसे थिंकर्स कहते थे कि इंसान नेचुरली फ्री बॉर्न होकर आता है भगवान के द्वारा ही, इसलिए किसी और का कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता कि उसके साथ गलत करा जाए या उससे उसकी बेसिक प्रिविलेज छीनी जाए, सबको बराबर मिलना चाहिए। इसी को फॉर्मल इक्वालिटी का नाम दिया जाता है। तो जॉन लॉक और इमैनुअल कांट तो ऐसे थिंकर्स हैं जो फॉर्मल इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो उसमें वो कलर कुछ भी है, रेस, धर्म, बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन आप दूसरे के साथ जो है बराबरी का ही नजरिया दें। अब आता है क्वेश्चंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो तरह की इक्वालिटीज, एक अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी और दूसरी आउटकम की इक्वालिटी। पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी शब्द का मतलब होता है अवसर या मौका। अवसर या मौके का मतलब होता है कि आप किसी को चांस तो दो अच्छा करने का, किसी को मौका तो दो। एटलीस्ट आप उसे प्रूव करने को कहोगे कैसे जब तक आप उसे चांस नहीं दोगे अच्छा करने का। तो बेसिकली अगर किसी के फादर आईएएस ऑफिसर है तो उस बच्चे को ऑटोमेटिकली एक बड़ी ऑफिसर पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए। एक बच्चे के अगर पापा डॉक्टर है या मदर डॉक्टर है तो उसे ऑटोमेटिकली एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। तो परिवार का कनेक्शन, आपका स्टेटस, आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखना चाहिए। इंसान को अवसर और मौके सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे मिलने चाहिए। तो जो आपका टैलेंट है, आपका रियल टैलेंट है, जो आपकी क्वालिटीज हैं, वो डिसाइड करेंगी कौन विनर होगा और कौन लूजर होगा। तो बेसिकली जब आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हो, मतलब अवसर या मौकों में बराबरी, तब इंसान को एक चीज को पीछे छोड़ना पड़ता है और वो है हायरार्कियल मेथड। अगर आप हायरार्की याद करो तो उसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। इसका मतलब आप टैलेंटेड हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नॉलेजेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन मिल जाएगा आपको समाज में, जो कि गलत बात है। इसलिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक ऐसा जरिया है जिससे सबको बराबर और अच्छा मौका दिया जा सकता है। इसके बाद इसके अपोजिशन में आपको मिलेगी इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी के बराबर, अपॉर्चुनिटी से बहुत ज्यादा हद तक आगे बढ़ के हमें आउटकम्स की आवश्यकता है। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट की बराबरी, रिजल्ट की बराबरी। इसमें हमें कार्ल मार्क्स की याद आती है जो कि कहते थे कि हमें सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कर देना चाहिए ताकि समाज में प्रॉपर्टी का इक्वालिटी बन सके, ओके, एंड सबके पास बराबर हो, सबके पास बराबरी आ सके। तो इसको इक्वालिटी ऑफ आउटकम कहते हैं। अपॉर्चुनिटी से ज्यादा जिन्हें रिजल्ट की परवाह हो वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम का ही जिक्र करते हैं। इसी के बाद हम लोग चलते हैं फेमिनिस्ट इक्वालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। जब फेमिनिज्म और इक्वालिटी को कंपेयर करने का वक्त आता है तो हमारे सामने नेट के क्वेश्चन में रिपीटेड, सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीटेड बुक आती है सामने, सुजैन ओकिन की किताब जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, 1980 में लिखी हुई किताब है। इस किताब ने ये बात क्लियर करी थी कि कैसे सालों से विमेन के प्रति समाज हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन करता आया है और उन्हें अनइक्वल शो करता आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेमिनिस्ट मेन वुमेन इक्वालिटी को लेकर काम करते हैं। लीगल इक्वालिटी हमारी डील करती है क्लासिकल फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म से। यहाँ पर हमारे सामने नाम आता है एवी डाइसी का, जिनकी वजह से पैदा हुआ था रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ से पैदा हुए थे दो टाइप्स,
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों का रिलेशनशिप आर्टिकल नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। लीगल इक्वालिटी इंसान को दावा करती है कि कानून के सामने हर कोई बराबर होगा पॉइंट ए, और कानून सबकी बराबर सुरक्षा करेगा पॉइंट नंबर बी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, जिसके अंदर हम लोग पॉलिटिकल इक्वालिटी का जिक्र करते हैं, अगेन अ फिक्स्ड पीवाईक्यू। पॉलिटिकल इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर वन मैन वन वोट, प्रत्येक नागरिक के पास प्रत्येक एक वोट की क्षमता को पॉलिटिकल इक्वालिटी कहा जाता है। हर किसी को जब हक हो समाज में वोट डालने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव में खड़े होने का, ये सब मिलाकर पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर देखा जा सकता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जब आप पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हो तो आपको राइट टू वोट याद करना है। आर एच टाउनी हमारा नेक्स्ट थिंकर इकोनॉमिक इक्वालिटी का प्रोपोनेंट है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को तीन बेसिक नीड्स कम से कम समाज में देना, जिससे वो जीवन तो काट सके, एक कपड़े की नीड, एक शेल्टर की नीड और एक भूख खाने की नीड, इन तीनों को पूरा करना इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में आता है। यानी आप पैसों से सबको बराबर तो नहीं कर सकते, पर मौका जरूर दे सकते हो। इसके बाद आती है सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी के बहुत सारे मिक्स्ड प्रोपोनेंट्स हैं, जहां पर आपको अक्सर दिखेगा एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, आप चाहे जो भी जगह को बिलोंग करते हो, जो कि आर्टिकल 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। अगर हम लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस तीन के रिश्ते की बात करें, तो अभी हमारे पास जस्टिस जो है वो अधूरा रह गया है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जस्टिस को स्टार्ट करना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मार्क्स का जो आइडिया है इक्वालिटी पर, वो दो तरह से काम करता था। मार्क्स क्लास को अबॉलिश करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था क्लास स्ट्रगल जड़ है सारी प्रॉब्लम्स की, क्लासेस अबॉलिश हो जाएंगी, स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगी। ऑल्सो वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स में विश्वास रखते थे, यानी जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी एलिमिनेट होगा, सब लोग समाज में बराबर स्टेटस या दर्जे पर पहुंच जाएंगे। आज का आखिरी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जस्टिस। जस्टिस, जिसको आसान भाषा में न्याय बुलाया जाता है, उसका जो असली मतलब है, जो बैकग्राउंड है, वो लैटिन भाषा से आता है। न्याय से जुड़े हुए सारे ही शब्द लैटिन लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, और ये आपका अगेन एक पीवाईक्यू है। जब आप लैटिन भाषा में जस्टिस शब्द का मीनिंग ढूंढोगे, तो आपको जुंगेर सुनाई देगा। जुंगेर का मतलब होता है किसी चीज को बांध कर या फिर जोड़ कर रखना। जस्टिस या जुंगेर का मतलब होता है समाज को बांध के रखना या जोड़ के रखना। तो बेसिकली कानून या न्याय क्या करता है? कानून या न्याय लोगों को पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स के सिलसिले में बांध देता है। अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड्स, बुरा काम करेंगे तो जेल के अंदर पनिशमेंट। ये सारा ही जस्टिस से जोड़ा जा सकता है। जस्टिस के बहुत सारे कजन भाई बहन हैं। जस्टिस का एक भाई लिबर्टी है, एक भाई इक्वालिटी है और एक भाई फ्रेटर्निटी है। तो ये सारे तीन चार भाई बहन हमेशा साथ ही रहते हैं। तो अगर इक्वालिटी आई है तो लिबर्टी और जस्टिस साथ में ही आ जाएंगे, अगर लिबर्टी आया है तो इक्वालिटी और जस्टिस साथ में आ जाएंगे। तो जस्टिस कभी अकेला नहीं रहता, परिवार में ही रहता है हमेशा, उसके बहुत सारे भाई बहन उसके साथ रहते हैं। जस्टिस का मकसद होता है समाज में सबके पास एक हद तक इक्वालिटी, एक हद तक ऐसा हो कि मैं दूसरों जैसा ही हूँ। अभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है जस्टिस को डिफाइन करना। कैसे हम बताएं कि किसको न्याय में क्या मिलना चाहिए, कैसे हम ये डिस्कस करें कि न्याय का मीनिंग या मकसद किसके लिए क्या होता है। तब हमें ना सबसे पहले एक व्यक्ति याद आता है जिसका नाम प्लेटो है। प्लेटो को आप लोग यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हो काफ़ी डिटेल में। प्लेटो के जीवन का आधार ही जस्टिस था।
तो प्लेटो बेसिकली एक फिलोसोफर था, ठीक है, सोक्रेट्स को फॉलो करके ही स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट पॉलिटिकल फिलोसॉफी। उस दौरान उसने ये कहा था कि लेट मी शो यू द प्लेटो स्लाइड, लुक एट दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कानून न्याय की भाषा ढूंढने चले और हम उसे एथिक्स के साथ जोड़ें, एथिक्स का मतलब होता है सही और गलत का जो फर्क होता है, अगर हम उसके साथ अपने जस्टिस को जोड़ने चलें, तो प्लेटो के अनुसार जस्टिस तीन क्लासेस में पाया जाता है। ये रही, तीन क्लासेस में न्याय पाया जाता है। रूरल क्लास सबसे ऊंची, सोल्जर क्लास सेकंड, प्रोड्यूसर क्लास लोएस्ट। तीन क्लासेस हैं, रूरल क्लास, सोल्जर क्लास, प्रोड्यूसर क्लास। इनके पास तीन क्वालिटीज हैं, रीजन, रेशनैलिटी, स्पिरिट, स्ट्रेंथ, एपेटाइट, हंगर। ये तीन जो क्वालिटीज हैं, ये इन तीनों की निशानी है, रूरल की रीजन, सोल्जर की स्पिरिट और प्रोड्यूसर की एपेटाइट। जब आप इन क्वालिटीज को रेंज करते हो ना, तो ये आत्मा से जोड़ती है इंसान की बॉडी को। तो प्लेटो के लिए जस्टिस उसकी आंखों में सिर्फ इतना है कि आप अपनी क्लास में रहकर अपनी ड्यूटी पूरी करो। अगर आप किंग हो तो किंग का काम करो, अगर आप किसान हो तो किसान का काम करो, अगर सोल्जर हो तो सोल्जर का काम। पॉइंट नंबर वन ये है कि आप अपनी एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। पॉइंट नंबर टू ये है कि आप अपना जो काम है वो जीवन भर बदल नहीं सकते, जिस क्लास का आप हिस्सा आप उसी में ही रहो। जब आप अपना काम करने से परवाह रखोगे और दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं एक दूसरे को, चिढ़ेंगे नहीं एक दूसरे से। तो बेसिकली आपका जो पूरा मकसद है वो यहाँ पर पूरा का पूरा आइडियल साफ सुथरा राज्य होगा, जहाँ लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं और न्याय बना रहता है। लेकिन जो अगला थिंकर आता है एरिस्टोटल, वो प्लेटो से कुछ हद तक अलग है, कुछ हद तक सेम है। वो कहता है कि अगर आपको जस्टिस को पूरा करना है तो इंसान को दो तरीके से काम करना पड़ता है, एक तो इंटरनल जस्टिस जो हमारे अंदर से आता है, और एक जो हमें समाज में करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, और जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान की इंसान के प्रति होती है, एक्सटर्नल जस्टिस। तो बेसिकली जो भी इंसान चाहता है वो दो तरीके से पूरा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एरिस्टोटल ने टोटल थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस दिया था। एरिस्टोटल ने बेसिकली टोटल थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस दिया था। पहला तो उसका जनरल जस्टिस है, जिसे यूनिवर्सल जस्टिस कहते हैं, जो बिल्कुल कॉमन है। फिर उसने पर्टिकुलर जस्टिस दिया, और तीसरा उसने कॉम्यूटेटिव जस्टिस दिया, ये PYQ है। इन तीन ब्रॉड कैटेगरीज के बाद उसने जस्टिस को आगे सब डिवाइड भी करा। इतना डिवाइड करने के बाद उसने जस्टिस को और ज्यादा सब डिवाइड भी करा। उस सब डिविजन में, यानी इन तीन के बाद और डिवाइड करने पर, एरिस्टोटल लेकर आया अपनी सबसे फेमस थ्योरी, और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सब डिविजन के बाद जब एरिस्टोटल अपना मोस्ट फेमस आइडिया लेकर आया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, तो उसने उसे कहा कि जब एक इंसान को इज्जत और गुड्स, सामान और इज्जत समाज में प्रत्येक मेंबर को बांटी जाती है उसके मेरिट के अनुसार, उसका हिस्सा इस बात से तय होता है कि उसका मेरिट या टैलेंट या क्वालिटीज कैसी हैं, उसे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी कहते हैं, यानी जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना ही मिलना चाहिए है। जो जितना डिजर्व करता है, जिसकी जितनी क्वालिटी है वो चीज कमाने की, उतना ही उसे मिलना चाहिए। तो समाज में आपकी जैसी मेहनत वैसा रिजल्ट, जैसा टैलेंट जैसा परफॉर्मेंस वैसा रिजल्ट।
प्रोपोर्शनल इक्वालिटी से पैदा होती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी बराबर में डिस्ट्रीब्यूशन करने से अच्छा प्रत्येक व्यक्ति को वैसा दिया जाए जैसा वो खुद अपने एक्शंस की वजह से डिजर्व करता है। माना जाता है कि मॉडर्न समाज में इससे बेहतर फॉर्म ऑफ जस्टिस कोई हो ही नहीं सकता। जस्टिस में एक और बड़ा नाम शामिल होता है और वो है जे एस मिल का। अक्सर लोग जे एस मिल को एक यूटिलिटेरियन के नाम से जानते हैं, पर सच्चाई ये है कि जे एस मिल यूटिलिटेरियन तो था लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट के साथ था। उसके यूटिलिटेरियनिज्म में एक शांति थी, एक ह्यूमैनिटी थी, वैल्यूज थी, सोशल अपब्रिंगिंग थी। मिल मानता था इंसान के जीवन का मकसद और आधार सिर्फ जस्टिस हो सकता है। पहले मिल सिर्फ इंसान के अकेले अकेले जस्टिस की बात करता था, इंडिविजुअल, लेकिन अब मिल सोशल थ्योरी की बात करता है, सामाजिक तौर पर न्याय कैसे दिया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास आता है इमैनुअल कांट का आइडिया। इमैनुअल कांट जाने जाते हैं एम्पेरिकल जस्टिस के लिए। बहुत बहुत प्रख्यात ब्रांच ऑफ जस्टिस जो आपकी कांट से आती है, एम्पेरिकल फॉर्म ऑफ जस्टिस, ये जोड़ी जाती है लॉ और मोरालिटी से। कानून और मोरालिटी कांट के दो थ्योरी के दो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स जो डिसाइड करते हैं यूनिवर्सली कानून से आई हुई जस्टिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस। जस्टिस के चैप्टर को एक और नाम आगे बढ़ाता है मोस्ट कंटेम्प्ररी थ्योरिस्ट जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स को माना जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ जस्टिस। अगर एरिस्टोटल के बाद कोई टक्कर का थिंकर है तो वो जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स की थ्योरी सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरी मानी जाती है जस्टिस के ऊपर। जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट दो प्रिंसिपल से आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है प्रत्येक नागरिक के पास एक अधिकार होना चाहिए है बेसिक लिबर्टीज का, वो लिबर्टी सबके साथ मैच होनी चाहिए समाज में। दूसरा प्रिंसिपल आता है कि सोशल और इकोनॉमिक लिबर्टीज कुछ इस तरीके से बांटी जाएं कि जो लीस्ट एडवांटेज्ड है, जिसके पास सबसे कम है समाज में, उसे सबसे पहले मौका दिया जाए। इसी के साथ साथ दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि हर एक व्यक्ति को पब्लिक ऑफिसेज में, सरकारी ऑफिसेज और पोस्ट में हर तरह का मौका दिया जाना चाहिए है काम करने का। जॉन रॉल्स के दो प्रिंसिपल्स में फर्स्ट वाला है, जिसके दो सब पॉइंट्स हैं, वो प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। कई लोग नीड्स और वांट्स बेस्ड जस्टिस को भी कंपेयर करते हैं। नीड्स बेस्ड जस्टिस जरूरतों पे आधारित होता है इंसान की, जो बढ़ती और कम होती रहती है समय के अनुसार, और वांट्स जो होती हैं वो डिजायर्स होते हैं, वो लालच होता है जो कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ बढ़ता ही है। नीड्स हमेशा बेसिक होती हैं, वांट्स हमेशा बेसिक से ऊपर की बात करते हैं। नीड इंसान की जरूरत है जो इग्नोर नहीं करी जा सकती, लेकिन वांट्स इंसान के डिजायर्स हैं, उसकी ख्वाहिशें हैं जो कभी कम होंगी ही नहीं। एक ख्वाहिश पूरी करते ही उसे कुछ और चाहिए होगा, दूसरी पूरी करते ही कुछ और चाहिए होगा। तो नीड्स और वांट्स बेस्ड जस्टिस भी दो अलग प्रकार के जस्टिस माने जाते हैं। इसके अलावा एक फॉर्म ऑफ जस्टिस प्रोसीजरल होता है और एक फॉर्म ऑफ जस्टिस सब्सटेंटिव होता है। जो प्रोसीजरल जस्टिस होता है वो न्याय को एंड पे ले जाने के साथ साथ उसे रास्ते से ही बेहतर बनाना चाहता है। यानी जब आप किसी को न्याय दें तो उससे पहले उसका रास्ता भी खूबसूरत बनाएं। सब्सटेंटिव जस्टिस सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करती है, वो रास्ते की, न्याय की कभी भी बात नहीं करती है।
इसी के साथ आज का क्रैश कोर्स डे वन यहीं खत्म होता है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा, वो सेट सॉल्यूशन होगा 2018 का, और इससे अगला सेशन सैटरडे होगा अगले, जो क्रैश कोर्स डे टू होगा। मेरे स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना मत भूलिएगा अनअकैडमी प्लस पे। अनलॉक कोड सुप्रीत लाइव है, मेरे नए कोर्स का ज्वाइनिंग कोड भी सुप्रीत लाइव है। इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा अपने अनअकैडमी के ऐप सब्सक्रिप्शन के ऊपर। थैंक यू गाइज।